नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। किसी भी एक इवेंट का, इवेंट मीन्स कोई भी एक हमारे पास वक्त है, कोई भी एक लम्हा है, ठीक है, उसका हमने टाइम इंटरवल मालूम करना चाहते हैं। टाइम इंटरवल मीन कि ये हमारे पास एक वक्त का हिस्सा होता है। आमतौर पर हम इसको वक्फा के तौर पर भी कह सकते हैं कि कोई भी एक वक्फा है, कोई भी एक वक्त का एक हिस्सा है किसी एक लम्हे का, तो हम इसको मालूम करना चाहते हैं कि ये 5 सेकंड है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, 15 सेकंड है, ठीक है, या 1 सेकंड से भी कम है। तो इन टाइम इंटरवल को मालूम करने के लिए हम स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचेस, दो तरह के स्टॉप वॉचेस होते हैं, मैकेनिकल एंड डिजिटल, एज शोन इन द फिगर। अब डायग्राम के मुताबिक अगर हम देखें तो ये हमारे पास एज ए मैकेनिकल स्टॉप वॉच है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच, एंड ये हमारे पास एज ए डिजिटल स्टॉप वॉच है, ठीक है जी। ये दो तरह की हमारे पास स्टॉप वॉचेस होती हैं, एक मैकेनिकल और एक डिजिटल। अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल टू अ मिनिमम 0.1 सेकंड। के जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है उसके जरिए हम किसी भी एक वक्त का जो वक्फा है उसको मालूम कर सकते हैं 0.1 सेकंड तक। 0.1 सेकंड का मतलब है कि 1 सेकंड के 10th पार्ट तक, 10वें हिस्से तक हम उसको मालूम कर सकते हैं। एंड डिजिटल स्टॉप वॉच कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरीज कैन मेजर अ टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1/100 और 0.01 सेकंड। कि जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो आमतौर पर लेबोरेटरीज के अंदर इस्तेमाल की जाती है। कैन मेजर अ टाइम इंटरवल, जिसके हम टाइम इंटरवल को मालूम कर सकते हैं 0.01 सेकंड। 0.01 सेकंड मीन्स 1 सेकंड के 100th पार्ट तक, 100th पार्ट तक हम इसको मालूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू यूज अ स्टॉप वॉच, ठीक, स्टॉप वॉच को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज अ नॉब दैट इज यूज्ड टू विंड द स्प्रिंग दैट पावर द वॉच। सबसे पहले हम यहां पर जिक्र करते हैं कि आखिर ये नॉब क्या चीज है और इसका क्या काम है। ये एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच है और ये हिस्सा, इसको हम कहते हैं नॉब, ठीक है, और इसको हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन के अंदर विंड करते हैं। विंड मतलब हम इसको घुमाते हैं, ठीक है। क्लॉक वाइज डायरेक्शन के अंदर जब हम इसको घुमाते हैं तो इसके अंदर स्प्रिंग्स मौजूद होते हैं। इस नॉब जो है वो कनेक्टर होती है स्प्रिंग्स के साथ। अब ये स्प्रिंग क्या करते हैं, ये स्प्रिंग पावर क्रिएट करते हैं और आगे ट्रांसफर करते हैं इस वॉच को। और ये वॉच की जो नीडल होती है इस स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है, और जिसकी वजह से फिर इसके अंदर पावर पैदा हो जाती है और फिर हम इसको प्रेस करते हैं और ये नीडल चलना शुरू हो जाती है, जिससे हम इसका टाइम इंटरवल मालूम कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज स्टार्ट स्टॉप बटन एंड रीसेट बटन। और हमने जो नॉब के बारे में जिक्र किया तो वो बयान करता है कि नॉब जो है वो स्टार्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको स्टॉप करने के लिए भी और उसको रीसेट करने के लिए भी एज ए बटन के तौर पर काम करता है। रीसेट मीन्स कि उसकी पोजीशन जो है वो वापस जीरो पे ले आता है, इट मीन्स वो जीरो पोजीशन हासिल हो जाती है, ठीक है। द वॉच स्टार्ट व्हेन द नॉब इज प्रेस्ड वंस। और जब हम एक नॉब को पहली बार प्रेस करेंगे तो वॉच स्टार्ट हो जाएगी। एंड व्हेन प्रेस्ड अगेन सेकेंड टाइम स्टॉप द वॉच। और जब हम इसको दूसरी बार प्रेस करेंगे सेकेंड टाइम तो यहां पर वॉच क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और जब वॉच रुक जाएगी तो हम फिर इसका इंटरवल मालूम कर लेंगे
स्टार्ट और स्टॉप के इन बिटवीन, एंड व्हाइल द थर्ड प्रेस, और जब हम तीसरी बार प्रेस करेंगे, ब्रिंग्स द नीडल बैक टू इट्स पोजीशन, कि जो नीडल है, जो उसकी सुइयां है, वो इसको वापस उसकी जीरो पोजीशन पर ले आएंगे। ठीक है, जीरो पोजीशन मींस कि ये हमारे पास उसकी जीरो पोजीशन है। ठीक है, और जब हम इसको थर्ड टाइम इसको प्रेस करेंगे तो ये नीडल जो है वो वापस उसकी जीरो पोजीशन पर आ जाएंगे। ठीक है, ये उसकी जीरो पोजीशन है। द डिजिटल स्टॉपवॉच स्टार्ट टू इंडिकेट द टाइम लेफ्ट एज स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड, कि जो डिजिटल स्टॉपवॉच है उसके अंदर एक बटन होता है जो स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये एक स्टार्ट स्टॉप बटन है। अब इस बटन के जरिए हम इसका टाइम लैप्स इट मींस टाइम इंटरवल, इसका हम टाइम इंटरवल मालूम कर सकते हैं। सेम इसी तरह इसका तरीकाकार है जैसे हमने मैकेनिकल स्टॉपवॉच के अंदर देखा कि जब हम इसको फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे, फर्स्ट टाइम, तो ये स्टार्ट हो जाएगी, और जब हम इसी बटन को कुछ टाइम इंटरवल के बाद, कुछ वक्त के, कुछ लम्हे के बाद हम इसको सेकंड टाइम प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इस फर्स्ट टाइम के स्टार्ट से इस सेकंड टाइम के स्टॉप के इन बिटवीन जितना भी टाइम इंटरवल है वो हमारे पास रीडिंग इस स्क्रीन पे रिप्रेजेंट हो जाएगी। एज सून एज स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड अगेन इट स्टॉप्स, और जो ही हम इसको प्रेस्ड अगेन करेंगे, प्रेस्ड अगेन का मतलब है कि जब हम इसको सेकंड टाइम दोबारा प्रेस करेंगे, जो ही हम इसको सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो जो स्टॉप वॉच है वो स्टॉप हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। एंड इंडिकेट द टाइम इंटरवल रिकॉर्डेड बाई इट, और फिर जो टाइम इंटरवल होगा वो स्क्रीन पर जाहिर हो जाएगा बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ एन इवेंट, इस इवेंट के स्टार्ट एंड स्टॉप करने के इन बिटवीन। ये मैंने आपको डायग्राम के अंदर ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया है कि जब हम स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे उसके बाद, और फिर हम उसी बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारे पास टाइम इंटरवल होगा उस इवेंट का, और वो इसको स्क्रीन पर इंडिकेट कर देगा। रीसेट बटन रिस्टोर्स इस इनिशियल जीरो सेटिंग, और जो रीसेट बटन होगा जैसा डायग्राम के अंदर है, अब डायग्राम के अंदर उसने इस बटन को रीसेट बटन रिप्रेजेंट किया। अब इस बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो ये जो स्क्रीन है ये वापस हमारे पास 00 पर जाहिर हो जाएगी, और फिर हम इस बटन को दोबारा अगेन फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे, फर्स्ट टाइम, तो ये स्टार्ट हो जाएगा, और इसी बटन को दोबारा हम जब सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास स्टॉप हो जाएगी, और इन दोनों के इन बिटवीन जो टाइम इंटरवल होगा वो हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाएगा, इट मींस के जाहिर हो जाएगा।